उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले मुरादाबाद की सदर तहसील के प्रांगण में लेखपाल संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह चौहान द्वारा कहा गया, लेखपाल संघ की 8 सूत्रीय मांगे जो कि एक साल से लगातार चली आ रही हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को लेखपाल संघ द्वारा अवगत कराया जाता रहा है। आज भी तहसील स्तर पर लेखपालों द्वारा लेखपाल संघ के आह्वान पर एक दिवसीय धरना आ जा रहा है। समय रहते सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अगली रणनीति के तहत अपने आंदोलन को उग्र करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने जब उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह चौहान से बात की तब उन्होंने बताया, हमारी ये 8 सूत्री मांगे हैं, ये मांगे हमारी लगभग 2 साल से लंबी चल रही हैं। इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली मांग हमारी ACP की है। ACP कई बार इसमें हो चुका है और इसके बाद भी अभी तक इन्होंने जो है मांगने मानने के बाद भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। दूसरी मांग हमारी वेतन उच्चीकरण की है, इसमें हमारा 2000 से 2800 रुपये ग्रेड पे के लिए जो पहले ही जो है शासन ने मांग भी लिया था राज्य परिषद ने, और इसके बाद भी अभी 4/7/18 को और 16/6/18 को वेतन समिति सदस्य पर भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। तीसरी मांग हमारी प्रोन्नति काडर रिव्यू की है, माननीय मुख्य सचिव महोदय को दिनांक 4 और 16 जुलाई को बैठक हुई है और इसमें 35 से 36 साल की सेवा करने के बाद में केवल प्रमोशन होता है। उसमें हमारा कहना यह है कि इसमें हमें तीन बार प्रमोति मिलती है, उसमें उसी के साथ जितने भी इसमें तहसीलदार नायब कानकों के लिए और नायब तहसीलदार के लिए और तहसीलदार के लिए हमारी जो मांग विशेष ये है कि 5 से 10 साल की सर्विस पे हमें जो है प्रमोति दी जाए, जिससे कि हमारे जो आगे हमारे जो कैडर हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए टाइम मिल जाए, मतलब जो है मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ही फिर इसका ये है कि हमारी एक लेखपाल के 7 लेखपाल के ऊपर 1 कानून के लिए मांग थी, जिसमें हमारे 1271 राजनीतिक क्षेत्र कार्यालय से तय हुए थे, जिसमें केवल 678 जो है राजनीतिक इसमें जो है बनाए गए। चौथी मांग हमारी पेंशन डिसन की दी गई, उसमें 1999 2000 में हमारी जो रिक्तियाँ हुई थी 2000 में चली। अच्छा, कब से चली आ रही है मांगे आपकी? ये 3 साल हो गए, 3 साल से अभी मांगे चली आ रही है, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं। अब क्या रणनीति है आगे? रणनीति है कि आज ये धरना है और इसके बाद हमारी 27 तारीख को प्रदेश कार्यालय की प्रदेश की मीटिंग है लखनऊ में, वहाँ पर जो अगली रणनीति वहाँ बनाई जाएगी उस पर जो है इसके बाद जो भी निर्णय जाएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि हमारा आज ये जो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा ज्ञापन ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं ये जल्दी जल्दी पूरी कर दी जाए, जिससे कि हमें अगला कदम कठोर कदम न उठाना पड़े। इस मौके पर तहसील सदर के सभी लेखपाल मौजूद रहे।